हेलो, एमसीएक्स श्योर गेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि मेटाडेटा 4 को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, किस किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि मेटाडेटा को लॉगिन किस तरह करते हैं, इसमें जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम किस तरीके से चलाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये फाइल में हम जाएंगे, ठीक है। फाइल में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पर। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपसे तीन इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, पहला लॉगिन, दूसरा पासवर्ड और तीसरा सर्वर। तो लॉगिन आईडी में हम आईडी डालेंगे जो हमें प्रोवाइड होगी, पासवर्ड में हम पासवर्ड डालेंगे और सर्वर के अंदर हम सर्वर डालेंगे, सर्वर की डिटेल, जो भी सर्वर की डिटेल हमें प्रोवाइड होगी वो। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये आपका लॉगिन हो जाता है। और लॉगिन कैसे हो गया या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर के बार्स हैं और कुछ रेड कलर के बार्स हैं। तो जो ये बार अगर ग्रीन और रेड हैं, ऐसे ऊपर ग्रीन है और नीचे रेड है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी का स्टेटस शो हो रहा है कि कितने के बी फाइल डाउनलोड या अपलोड हुई है, तो हमारा इसका मतलब है कि ये चालू है, चालू हालत में है। और अगर ये इसमें चालू नहीं होता तो ये कई बार आपको नो कनेक्शन दिखाई देता है। नो कनेक्शन ये कब कब दिखाता है, जब या तो सर्वर से कनेक्टिविटी ना हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन वर्क ना कर रहा हो। इसके अलावा ये अकाउंट डिसेबल दिखाता है, जब सर्वर से आपका अकाउंट डिसेबल होता है उस केस में ये आपको अकाउंट डिसेबल दिखाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है इनवैलिड अकाउंट, इनवैलिड अकाउंट भी आपको तभी दिखाएगा जब आपका जो ट्रेडिंग का जो पासवर्ड है या तो वो आप गलत डाल रहे हैं या फिर सर्वर से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। अब आती है बात कि फाइल में हम जब गए थे तो फाइल में मैंने आपको बता दिया लॉगिन करने का ऑप्शन। अब मेनली आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो यही होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है ओपन डाटा फोल्डर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब करने से उसके बाद ऑप्शन आता है कि दूसरा ये व्यू का। व्यू में क्या है कि कुछ टूल बार्स हैं। अब टूल बार्स में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे नीचे जहाँ पर अभी हमने कनेक्शन का स्टेटस देखा ना, वो हमारा स्टेटस बार होता है। जैसे आप अभी मैं स्टेटस बार पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो बार थी जो हमें दिखा रही थी कि कनेक्शन किस तरह का है वो चली गई है। तो उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसको मैं टिक कर देता हूँ दोबारा से। एक होती है चार्ट बार, चार्ट बार में आप देखेंगे ये एक चार्ट लगा, ये एक चार्ट लगा, ये एक चार्ट लगा, तो तीन तरह के तीन चार्ट हमने लगाए हुए हैं इसमें। अब ये हमें यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं चार्ट बार। अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं तो ये हमें शो नहीं करेगा कि कितने चार्ट्स ओपन हैं। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर हमें पता नहीं लग पा रहा कि कितने चार्ट्स ओपन हैं। तो इसके लिए ये भी हमें बहुत ज़रूरी है, अगर आपका हट जाए तो आप यहाँ से लगा सकते हो व्यू पे जाके स्टेटस बार, ये चार्ट विंडो चार्ट बार से। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा टूल बार्स, मैं आपको बता रहा था। टूल बार्स में क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार्स, चार्ट टूल बार्स, लाइन स्टडी और पीरियडिसिटी। ये जो आप यहाँ अपना नेविगेटर देख रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर का नेविगेटर जिसमें ये फाइल व्यू वगैरह लिखा है, इसके नीचे जितने भी ये ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, इन सब की जो सेपरेट सेपरेट बार्स हैं ये आप देखेंगे, ये मैं अलग कर देता हूँ। ये जैसे ये बार है आपकी या ये बार है आपकी, ठीक है। तो ये सब एक डिफाइन कर रही है चीज़ को। देखो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये मैंने चारों हटा दिए यहाँ से। ठीक है, ये आपको व्यू में जाके टूल बार में जाके आप लगाएंगे। स्टैंडर्ड में आपके पास कुछ एक ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे नए चार्ट का ऑप्शन, प्रोफाइल का ऑप्शन, मार्केट वॉच का ऑप्शन, या डाटा विंडो का ऑप्शन, या यहाँ पर आपका नेविगेटर का ऑप्शन, या ये टर्मिनल का ऑप्शन, स्ट्रेटजीज का ऑप्शन। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐसे ही आपके चार्ट्स का लगाएंगे तो इसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट, इसके अलावा जूम इन जूम आउट और ये टाइल विंडो, या फिर स्क्रॉल ऑटो स्क्रॉल करना, या फिर इसको चार्ट शिफ्ट करना, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे लाइन स्टडी है कि
कर्सर लेना है, क्रॉस हेयर लेना है, हॉरिजेंटल वर्टिकल ये लाइन लेनी है, ट्रेंड लाइन लेनी है, चैनल लेना है, या फिबोनाची का रिट्रेसमेंट या ऊपर जाने वाला कोई लेना है हमें, तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं। पीरियडिसिटी में आपको ये टाइम फ्रेम आते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जितने भी इसमें ऑप्शन आइकन है ना, इनका ये हमें दो तीन जगह इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे एक तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर यहाँ से चला जाता है तो आप यहाँ व्यू में जाकर ले सकते हैं। देखो ये मार्केट वॉच है, इसमें पूरे चार्ट में हमारे पास तीन विंडो होती हैं, एक मार्केट वॉच विंडो ये वाली, और एक होती है नेविगेटर विंडो। ठीक है, नेविगेटर विंडो मैंने अभी लगाई है, ये वाली नेविगेटर विंडो होती है, और जो ये वाली विंडो होती है इसको कहते हैं चार्ट विंडो। तो तीन विंडो हमारे पास होती हैं। मार्केट वॉच विंडो का काम क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, या तो हम इसे यहाँ से लगा सकते हैं इस बटन से, या फिर हम व्यू में जाके मार्केट वॉच पर क्लिक करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेविगेशन बार है, या तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, या फिर हम व्यू में जाके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लग जाएगी। तो ये जो आपको मैंने बताई, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। अब आता है सबसे पहला काम, मार्केट वॉच का क्या काम है। मार्केट वॉच में आपको सारे सिंबल्स मिलेंगे, जो जो सिंबल्स आपने लगाने हैं, जिनमें आपने ट्रेडिंग करनी है, या जो भी आपने यूज़ करने हैं अपने चार्टिंग के लिए, वो सब आप इसमें यहाँ से लगा सकते हो। राइट क्लिक करना है, सिंबल में जाना है, और यहाँ पर आपको सेगमेंट सिलेक्ट करनी है। फॉरेक्स है, US कमोडिटीज़ है, NMCX है, NSE है, NSE 2, NSE 1 और NSE 2 में मैं आपको बता देता हूँ हमारे चार्ट में, हमारे डेटा में जो अंतर है। हमारे डेटा में NSE 1 जो है वो NSE फ्यूचर्स है, और NSE 2 NSE कैश है, या सिंपल मैं कहूँ जिसके आगे हैश है वही कैश है, और दूसरा NCDX है, और NSE ऑप्शंस। ऑप्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट्स हैं। तो जिस पे भी हमें जो भी चाहिए स्क्रिप्ट, हम उस पे जाके ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अगर सारे ही हमें ऐड करने हैं तो MCX पे क्लिक करके यहाँ पर शो पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारा शो हो जाएगा हमें। शो पे क्लिक किया मैंने, आप देखो ये सारे आ जाएंगे, या इस पे क्लिक करके हाइड पे क्लिक किया तो ये सारे चले गए। तो इस तरीके से हम यहाँ लगा सकते हैं जो भी हमें स्क्रिप्ट लगानी है। एक दो स्क्रिप्ट मैं आपको लगा के बता, जो जो स्क्रिप्ट में मैं डबल क्लिक करूँगा वो स्क्रिप्ट यहाँ ऐड होती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें मार्केट वॉच विंडो में स्क्रीन में आप अपने सिंबल्स लगा सकते हो, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है नेविगेटर का। नेविगेटर, ये हमारा नेविगेटर है। नेविगेटर विंडो में हमारे को जैसे एक तो अकाउंट की डिटेल मिलती है कि हमारा कौन सा अकाउंट लॉगिन है, किस कंपनी का कैसे अकाउंट है अपना, और दूसरा इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। इंडिकेटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नया इंडिकेटर इसमें पुट करते हैं तो वो हमें यहाँ मिल जाता है। नया इंडिकेटर हम यहाँ से देख के इस पर लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये चीज़ हमारी, ये ऑप्शन है इंडिकेटर की। इंडिकेटर को हमने कोई भी इंडिकेटर, ट्रेंड का इंडिकेटर, ऑसिलेटर, वॉल्यूम, या कोई भी किसी तरीके का इंडिकेटर हमें लगाना है, वो हम यहाँ से इसमें से लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि इसमें नए इंडिकेटर, अगर हमारे पास इंडिकेटर है वो हमें लगाने, तो वो कैसे लगेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें जाना होता है फाइल में, ओपन डाटा फोल्डर में। ठीक है, उसके बाद हमें जाना होता है MQL4 में, उसके बाद हमें जाना होता है इंडिकेटर्स में, उसके बाद ये जो पाथ है यहाँ इस फोल्डर के अंदर ही हमें अपने इंडिकेटर को पेस्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे सी ड्राइव में जाके, तो ये नए बिल्ट में ये एक ऑप्शन आया है कि आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसमें इंडिकेटर बिल्ट नहीं कर सकते, आपको यहीं से करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फाइल में जाना है, ओपन डाटा फोल्डर में जाना है, MQL4 में जाना है, और इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ जाके आप अपने इसमें इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इतना ही बताऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊंगा कि चार्ट कैसे लगाते हैं, चार्ट में इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट कैसे लगाते हैं, सब चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस अभी के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने इस वीडियो को देखा।